हम हैं शर्मा जी की मशहूर चाय की दुकान पर, और ये एक तरह के राजनीतिक, साहित्यिक, बौद्धिक चर्चाओं का अड्डा बन चुकी है। जिस तरह हम बनारस में चाय की दुकानों पर अड़ीबाजी देखते हैं, कुछ वही माहौल लखनऊ में बन चुका है। शर्मा जी कुछ बताएंगे, ये कब से दुकान शुरू हुई, किसने शुरू की, और ये खासियत क्या है आपकी दुकान की? जी की कृपा से दुकान तो शुरू हुए 50 साल से ऊपर हो गए। 50 साल पुरानी दुकान, और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमको ऐसे माँ बाप मिले। मेरे पिता ने ये काम को शुरू किया था और उसको बड़ी मेहनत से आगे बढ़ाया। पहले मेरे ठेले पे रखे चाय बनाते थे, मुझे ये दुकान का दौर शुरू हुआ, इस तरह शुरू किया था। अच्छा, ये खासियत क्या है आपका? ये जो मस्का पाव है, इसकी बहुत चर्चा होती है दूर तक। खास बात यही हो रही है कि हम चाय के लिए एकदम अच्छा दूध लगाते हैं। दूध वाले हमारे बहुत बढ़िया, बहुत पुराने हैं, 50 साल पुराने, बढ़िया दूध होता है, बढ़िया लाइट होती है। आप सबका प्रेम है, बाकी परमात्मा की कृपा। ये किस तरह का दौर महफिलों का चलता है? कितनी बजे तक, कितनी बजे तक दुकान आपकी चालू रहती है? दुकान सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे चालू, सुबह संडे बंद रहती है, रविवार को बंद रखते हैं। और ये जो यहाँ पर लोग राजनीतिक चर्चाएं अक्सर करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप सुनते रहते हैं दिन भर, इस बार जो चुनाव का माहौल है उसको देख के क्या लगता है? सभी तरह की बातें हैं। जो ये गरीब तबका है, तो नीचे तल का वर्ग है, उसका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, और बाकी सब जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं उनका रुझान बीजेपी की तरफ है। लड़ाई बहुत कांटे की होगी, लड़ाई कांटे की होगी। पिछली बार जैसे बहुमत मिल गया था 2012 में, वैसा नहीं लगता आपको? बहुत मुश्किल लग रहा है। आपके यहाँ दुकान पर क्या क्या मिलता है? मक्खन, समोसा, चाय। और दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे आपकी दुकान पर? अभी यहाँ ज्यादा लगाए, यहाँ कहीं 500-600 तो बड़ी आ जाते होंगे। 500-600 लोग एक दिन में आ जाते हैं। क्या करते हैं साहब? मेरा बिजनेस है यहाँ पर, पार्टी प्लेट, होटल एंड स्टैंड। एक तो ये बताइए, रोज सुबह की आपकी दिनचर्या है? ये दिनचर्या नहीं, हम लोगों का जीवन है। अरे वाह। ये क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ एक महफिल में हम लोग अपने दिल की बातें करते हैं एक साथ मिलके। कितने सालों से ये सिलसिला है आप सबकी दोस्ती? कितने साल पुरानी है ये? कई वर्षों से है, करीब 25-30 वर्षों से। अरे वाह साहब, आप सब 25 साल पुराने दोस्त हैं, तो वेब दुनिया पर हमको आपको दिखाने में खुशी होगी। गोपाल शर्मा जी, कब से दुकान को भाई आप चाय का काम देख रहे हैं? वैसे भी आजकल हिंदुस्तान में चाय कुछ ज्यादा ही मशहूर है, चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए। आपको लगता है इससे चाय को कुछ ज्यादा महत्व मिला है? प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा चाय वालों में ग्रेड ऊपर हो गया। आपको अभी जो राजनीतिक माहौल है उसमें क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अभी क्लियर तो कुछ नहीं है, क्योंकि मतदाता शांत है। मतदाता शांत है, तो वो केवल वोट के जरिए ही अपनी राय व्यक्त करिए, ही सब कुछ बोलेगा। अच्छा, आपकी जो चाय की दुकान है इसकी कुछ खासियत बताइए। चाय में ज्यादातर शुद्धता का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रेम आपके पास जो है वो अलग है, वो नहीं मिलता है। और ये जो आपका मस्का पाव है जी, इसकी क्या खासियत है? ये भी अलग से ही बनता है, ये इसको खुद ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आपका खुद का है ये? खालिद भाई कहाँ से हैं? यहाँ क्या IIM में पढ़ रहे हैं? ये शर्मा जी की चाय का शौक कब से लग गया? जब से पता चला चाय अच्छी मिलती है यहाँ पे, तब से पास। तो ये अक्सर आते हैं यहाँ पे? 2-3 बार हुआ है अभी तक। IIM की पढ़ाई के बीच आपको ये वक्त मिल जाता है? सुबह सुबह वक्त मिल जाता है। ये क्या खासियत है इनकी चाय की? चाय टेस्टी है और बनमस्का भी साथ में अच्छा लगता है। बनमस्का बहुत अच्छा लगता है जी। आपके यहाँ ऐसी क्या खासियत है जो लोग लगातार आते हैं? मैं देख रहा हूँ बरसों से लोग आते हैं और बहुत चर्चा, राजनीतिक साहित्यिक चर्चा भी यहाँ होती है। सब रीजन में भी डिफरेंट क्वालिटी के हो सकते हैं, क्योंकि जब अपने नाना ने कभी शुरू की थी क्वालिटी, तो आज तक। किसने शुरू की है दुकान बताइए? हमारे नाना है, उन्होंने ये शुरू की थी। क्या नाम था उनका बताएंगे? पंडित ओम प्रकाश। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी ने शुरू किया था।